क्या काफी है इतना पानी, बड़े तालाब पर पानी का संकट। आखिर क्यों कम हो रहा तालों के ताल का पानी, भीषण गर्मी या कोई और कारण। शहर की जल आपूर्ति में कितना है हिस्सा, प्रदूषण की मार या पानी की चोरी। भीषण गर्मी अपने तेवर दिखा रही है और इस गर्मी से बचने का कोई सीधा और सादा उपाय है तो वो है पानी, जो इंसान से लेकर पशु पक्षियों को आराम से उपलब्ध हो जाता है। लेकिन बढ़ती गर्मी के बीच अगर पानी ही कम होने लगे तो इससे थोड़ी सी चिंता होनी तो लाजमी है। भीषण गर्मी के बीच राजधानी का बड़ा तालाब संकट में है। पानी का जल स्तर लगातार कम हो रहा है, जिसने आम से खास सभी लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आपको बता दें कि राजधानी भोपाल का बड़ा तालाब काफी प्रसिद्ध तो है ही, साथ ही यह शहर के पानी की भरपाई भी करता है। आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि पानी की तेजी से कमी क्यों हो रही है और इससे जल आपूर्ति कितनी प्रभावित होगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, भोपाल की लाइफलाइन कहलाने वाला बड़ा तालाब 1.5 महीने में 2 फीट के करीब पानी इसका घट गया। बताया जा रहा है कि चोरी और तेज गर्मी के कारण यहां पानी घटा है। इस तालाब से 20% सप्लाई यहां से होती है। देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। क्या काफी है इतना पानी, भोपाल की लाइफ लाइन घट रही। पानी चोरी और तेज गर्मी का असर, आसपास के इलाके में पानी की चोरी। 1.5 महीने के अंदर 2 फीट पानी घटा, तेज गर्मी से पानी का वाष्पीकरण। झीलों की नगरी भोपाल की लाइफ लाइन कहलाने वाला बड़ा तालाब में तेजी से पानी घट रहा है। इसका कारण पानी चोरी और तेज गर्मी बताया जा रहा है। बता दें कि राजा भोज की प्रतिमा के पास भी पानी का लेवल घट रहा है। भीषण खेड़ी समेत आसपास के इलाके में पानी की चोरी हो रही है। बड़ा तालाब में 1.5 महीने के अंदर 2 फीट पानी घटा है, तेज गर्मी से पानी का वाष्पीकरण हुआ। बता दें कि शहर की लाइफलाइन बड़ा तालाब का लेवल 1,666.80 फीट है। बारिश में बड़ा तालाब पूरा भर गया था, इससे भदभदा डैम के गेट खोलने पड़े थे। 1 अप्रैल की स्थिति में बड़ा तालाब में 1,661.50 फीट पानी था, जो 15 मई को 1,659.50 फीट रहा, यानी 1.5 महीने में ही पानी 2 फीट कम हो गया। शहर के 20% हिस्से में पानी की सप्लाई, पेयजल आपूर्ति में परेशानी ना होने का दावा। निगम की सख्ती के बाद चोरी में आई कमी, किसानों ने सिंचाई के लिए भी तालाब से पानी लिया। बड़ा तालाब से शहर के 20% हिस्से में पानी की सप्लाई होती है। हालांकि नगर निगम का दावा है कि पानी घटने से पेयजल आपूर्ति में कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। नगर निगम के मुताबिक मॉनसून सीजन में सीहोर जिले में अच्छी बारिश हुई थी, इस कारण बड़ा तालाब फुल भर गया था। तालाब के आसपास के इलाकों में पानी कम गिरा था, इस कारण किसानों ने सिंचाई के लिए भी पानी लिया। मिशन खेड़ी में ही फुल टैंक लेवल का मॉनिटर लगा है, यहां से भी पानी चोरी हुआ, इस कारण पानी तेजी से घटा। हालांकि निगम की सख्ती के चलते अब चोरी के मामले नहीं हो रहे हैं। 2023 में बड़ा तालाब में 1,661.30 फीट पानी, 2024 में 1,659.50 फीट पर आया जल स्तर, 3 लाख से ज्यादा आबादी को पानी की सप्लाई, हर रोज 25 मिलियन गैलन पानी की सप्लाई। दरअसल पिछले साल 11 मई तक बड़ा तालाब में 1,661.30 फीट पानी था, जो इस साल 1,659.50 फीट पर आ गया है, यानी पिछले साल के मुकाबले अब की बार पानी तेजी से कम हुआ है। बड़ा तालाब से हर दिन पुराने शहर समेत बेड़ागर के समेत आसपास के इलाकों की 3 लाख से ज्यादा आबादी को पानी की सप्लाई की जाती है।
20% से ज्यादा इलाकों में पानी पहुंचता है। बड़ा तालाब से हर रोज 25 MGD सप्लाई होता है। नगर निगम के मुताबिक गर्मी की वजह से बड़ा तालाब में पानी जरूर घट रहा है, लेकिन इससे सप्लाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बड़ा तालाब में पर्याप्त पानी है, लोगों को पानी की पर्याप्त आपूर्ति की जा रही है। नर्मदा नदी और कोलार जलाशय से 70% आपूर्ति। ऊपरी झील पीने के पानी का महत्वपूर्ण स्रोत। ऊपरी झील 30% पानी की करती है भरपाई। अपर लेक, कोलार जलाशय और नर्मदा नदी से पानी सप्लाई। शहर में नर्मदा नदी और कोलार जलाशय से लगभग 70% पानी की आपूर्ति की जाती है। ऊपरी झील पीने के पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनी हुई है, जो पानी की मांग का लगभग 30% पूरा करती है। अनुमान है कि ट्रीटमेंट प्लांट से शहर को पानी की आपूर्ति 153 MLD है, जबकि कोलार बांध से कोलार जल उपचार संयंत्र को कच्चे पानी की आपूर्ति 162 MLD है। शहर अपनी पेयजल आपूर्ति के लिए कई स्रोतों पर निर्भर है, जिसमें अपर लेक, कोलार जलाशय और नर्मदा नदी शामिल है। कोलार बांध से कच्चा पानी लगभग 36 पाइपलाइनों के माध्यम से जल उपचार संयंत्रों में पंप किया जाता है। 154 MLD की क्षमता वाले संयंत्र में उपचार के बाद पानी को फिर सर्विस जलाशय में पंप किया जाता है। बड़ा तालाब में दूर दूर तक पानी ही पानी। तालाब का क्षेत्रफल लगभग 31 वर्ग किलोमीटर। 361 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र से पानी होता है एकत्रित। तालाब की गहराई लगभग 30 फीट। 11वीं शताब्दी में राजा भोज ने करवाया था निर्माण। बड़े तालाब 20% आबादी को पानी सप्लाई करता है। यहाँ से प्रतिदिन कई गैलन पानी सप्लाई यहाँ पर होता है और शहर की आधी आबादी मान ले तो यहाँ से पानी उसको दिया जाता है, लेकिन तेज गर्मी और चोरी के कारण 2 फीट पानी यहाँ से कम हो गया है, जिसकी चिंता भी अब बढ़ने लगी है। हालांकि नगर निगम के अधिकारियों का दावा है कि पानी के संकट यहाँ पर नहीं होने दिया जाएगा, शहर के वासियों को पूरी तरह से पानी यहाँ पर दिया जाएगा। आपको बता दें कि मिशन खेड़ी में पानी चोरी का मामला भी यहाँ पर सामने आया था, जिस पर नगर निगम ने प्रतिबंध यहाँ पर लगा दिया है और चोरी को भी रोक दिया है। अब देखना यह होगा कि नगर निगम किस स्रोतों से पानी की पूर्ति करता है। कैमरामैन हेमंत यादव के साथ आबिद मुमताज, एशियन भारत, भोपाल। तालों के प्रसिद्ध भोपाल का बड़ा तालाब काफी फेमस है। यहाँ दूर दूर तक बस पानी ही पानी नजर आता है। राजधानी की शान कहे जाने वाले बड़ा तालाब का क्षेत्रफल लगभग 31 वर्ग किलोमीटर है और इसमें लगभग 361 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र से पानी एकत्रित किया जाता है। बड़े तालाब से लगने वाला अधिकतर हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र का है, हालांकि अब समय के साथ साथ यहां का शहरीकरण हो गया है। भोपाल के बड़े तालाब की गहराई लगभग 30 फीट बताई जाती है। बता दें कि भोपाल का बड़ा तालाब परमार वंश के राजा भोज ने 11वीं शताब्दी में कोलन नदी पर एक मिट्टी के बांध का निर्माण करके बनवाया था। इसे भोजताल कहा जाता था। वहीं निचली झील का निर्माण लगभग 200 साल पहले मुख्य रूप से नदी के रिसाव के कारण हुआ था।